नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस समय जापान के दौरे पर हैं। आज साउथ कोरिया की राजधानी सियोल में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के संदर्भ में आज POSCO इंटरनेशनल के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राजस्थान में निवेश के अवसरों पर चर्चा की गई। सीएम भजनलाल ने बैठक के बाद कहा कि राजस्थान में औद्योगिक विकास और निवेश के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोलते हुए हमने POSCO इंटरनेशनल और SG ग्रुप को राजस्थान में निवेश के लिए आमंत्रित किया है। पधारो हमारे देश, राजस्थान आपके स्वागत के लिए तत्पर है। राजस्थान में निवेश के असीम अवसर हैं और हमारी सरकार व्यापार और उद्योग के लिए सर्वश्रेष्ठ वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा लक्ष्य राज्य में औद्योगिक क्रांति लाकर युवाओं के लिए रोजगार के लिए नए अवसर सृजित करना है। राजस्थान में बारिश का दौर लगातार जारी है। बंगाल की खाड़ी में बना डिप्रेशन आज तीव्र होकर डीप डिप्रेशन बन गया है, जिसके चलते अगले 24 घंटों में इसके उत्तर पश्चिमी दिशा में उड़ीसा छत्तीसगढ़ की ओर आगे बढ़ने की प्रबल संभावना मौसम विभाग ने जताई है। इसके साथ ही आज कोटा, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, अजमेर संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ मध्यम बारिश व कोटा उदयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। इसके साथ ही 10 सितंबर को पूर्वी राजस्थान के अनेक भागों में मध्यम से तेज बारिश होने तथा कोटा और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना भी जताई गई है। कांग्रेस सरकार के दौरान राजस्थान में 17 नए जिलों का जो गठन किया गया था, उसको लेकर भाजपा सरकार पुनर्विचार कर रही है। हालांकि अभी तक जिलों पर कोई फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन इससे पहले ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का एक बयान काफी चर्चाओं में है। मदन राठौड़ ने कहा है कि 17 में से 6-7 जिलों को समाप्त किया जाएगा, जिसमें दूदू, सांचौर, केकड़ी, डीग, भिवाड़ी, खैरतल, गंगापुर सिटी, अनूपगढ़ को गलत तरीके से जिला बनाया गया है, जिनको समाप्त किया जाएगा। मदन राठौड़ के इस बयान के बाद अब विरोध बढ़ता जा रहा है। पूर्व मंत्री सुखराम बिश्नोई सहित कई दिग्गज नेताओं ने मदन राठौड़ को जिला समाप्त करने पर आर पार की लड़ाई की चेतावनी दे डाली है। चित्तौड़गढ़ की जिला स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता में भारी अनियमितताओं और लापरवाही पर बेगू विधायक सुरेश धाकड़ ने नाराजगी जताई है। इसके साथ ही प्रतियोगिता में अव्यवस्था को लेकर भी सुरेश धाकड़ ने नाराज दिखे, जिसके बाद विधायक ने मौके पर ही SDM को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही तुरंत प्रभाव से प्रिंसिपल गिरीश तिवाड़ी व CBO राजगिरी को APO करने के निर्देश दिए हैं। वहीं उपखंड मुख्यालय से रिलीव कर APO की अनुशंसा भी की जाएगी। उनियारा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बालीथल में उप प्राचार्य द्वारा प्रार्थना स्थल पर धर्म के प्रति अपशब्द कहने का एक गंभीर मामला सामने आया है। मामले को लेकर बालीथल के ग्रामीण स्कूल पहुंचे ग्रामीणों ने अध्यापकों और छात्र छात्राओं के बीच मामले को लेकर बात करवाई। ग्रामीणों ने लिखित में प्रधानाचार्य को इस मामले से अवगत कराया, जिसके बाद प्रधानाचार्य ने उप प्रधानाचार्य को नोटिस जारी किया है। शिक्षक भर्ती में लेवल 2 के परिणाम को लेकर सोमवार को जयपुर के शहीद स्मारक पर सैकड़ों अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने साल 2022 में शिक्षक भर्ती 3rd ग्रेड परीक्षा का आयोजन करवाया था, जिसमें लेवल 2 के पदों पर अभी भी परिणाम आना बाकी है, जिसको लेकर राजस्थान युवा शक्ति बेरोजगार संघ अध्यक्ष मनोज मीणा के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। अभ्यर्थियों का कहना है कि 1 साल से कर्मचारी चयन बोर्ड के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन आज तक परिणाम जारी नहीं किया गया है। अभ्यर्थियों ने कर्मचारी चयन बोर्ड और सरकार को परिणाम को लेकर 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से आयोजित खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों ने सोमवार को अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर जयपुर के शहीद स्मारक पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान NFU अध्यक्ष हनुमान किसान ने सरकार को घेरा। हनुमान किसान ने कहा कि सरकार पिछले 5 महीने से दस्तावेज सत्यापन के बाद भी इन चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दे पाई है। इसके साथ ही 10 साल बाद आई इस भर्ती को रद्द करने की भाजपा सरकार की मंशा नजर आ रही है। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री और सार्वजनिक निर्माण विभाग और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी दिल्ली पहुंची। इस दौरान उन्होंने राजस्थान हाउस के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। वहीं डिप्टी CM दिया कुमारी ने कहा कि मैं राजस्थान भवन में हो रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने यहां आई हूं। राजस्थान भवन का निर्माण पिछली सरकार के दौरान शुरू हुआ था और भवन में कई विदेशी सामग्रियों का उपयोग किया जा रहा है। मैंने उनसे स्थानीय राजस्थानी सामग्री और उत्पादों का उपयोग करने का आग्रह किया। हम राजस्थान के कारीगरों को अपनी कला दिखाने का अवसर प्रदान करेंगे। भाजपा OBC मोर्चे की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं मध्य प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कृष्णा कौर आज भाजपा सदस्यता अभियान के तहत
ओबीसी मोर्चे की मीटिंग लेने के लिए राजस्थान पहुंची। इस दौरान उन्होंने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि देश की राजधानी में ओबीसी समाज की ये बात अच्छे से समझ आ गई है कि जहां नहीं समझ नहीं आ रही है वह हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस देश में ओबीसी के साथ छलावा करने का काम कोई पार्टी ने किया है तो वो कांग्रेस है, जिसने ओबीसी समाज को मुख्य धारा में आने ही नहीं दिया। लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे जूस सेंटर पर स्वास्थ्य विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। पिछले एक सप्ताह में कई बड़े जूस सेंटर स्वास्थ्य विभाग की टीम के निशाने पर रहे, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से मानसरोवर के प्रसिद्ध राधा मोहन जूस सेंटर पर कार्रवाई की गई, जहां लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ की तस्वीरें सामने आई। जूस में केमिकल वाले कलर मिलाकर परोसा जा रहा था तो जूस के लिए काम में लिए जा रहे फल बुरी तरीके से सड़ चुके थे। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की ओर से जूस सेंटर को नोटिस जारी किया गया है। तो ये थी प्रदेश की आज की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।